हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फार्म पावर एंड मशीनरी में लेक्चर नंबर 4 का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे हम लोग क्या पढ़ना है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने एयर सप्लाई सिस्टम और एग्जॉस्ट सिस्टम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम, अब हमारे पास दो इंजन है। ठीक है, एक है स्पार्क इग्निशन इंजन और एक है डीजल इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन या तो पेट्रोल इंजन, ठीक है, और सेकेंड वन क्या है, डीजल इंजन। तो दोनों में फ्यूल सप्लाई किस तरह से होती है, अब हम लोगों को ये जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन स्पार्क इग्निशन या तो पेट्रोल इंजन, ठीक है, इसे दोनों नाम से जानते हैं। ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन या तो पेट्रोल इंजन, ठीक है, स्पार्क इग्निशन इंजन को मैक्सिमम बार एग्जाम में आया शॉर्ट फॉर्म में SI इंजन बोलते हैं। ठीक है, पूछ लेगा कि फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन SI इंजन लिखने के लिए, तो SI इंजन जो है हमारा स्पार्क इग्निशन इंजन ही है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसे SI इंजन भी बोलते हैं, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, द फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन कंसिस्ट ऑफ, मतलब कि इसमें कौन कौन से पार्ट यूज होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट वन है फ्यूल स्टोरेज टैंक, सबसे पहले तो एक टैंक रहेगा। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, फ्यूल फिल्टर, एंड थर्ड वन सेडिमेंट बाउल, मीन्स एक कटोरा टाइप का। ठीक है, फ्यूल लिफ्ट पंप, जो फ्यूल को लिफ्ट करता है, मतलब पंप करता है ऊपर, कार्बोरेटर, फ्यूल पाइप एंड इनलेट मैनिफोल्ड। ये हमारे 7 कंपोनेंट हैं जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन SI इंजन में यूज होते हैं। ठीक है, SI इंजन में ये हमारे 7 कंपोनेंट्स हैं वो यूज होते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम, फ्यूल टैंक होता क्या है। ठीक है, इट इज मेड ऑफ प्रेस्ड स्टील, किस चीज़ का बना रहता है, प्रेस्ड स्टील का, एंड कोटेड इनसाइड टू प्रिवेंट कोरोजन। ठीक है, और उसके अंदर ऐसा मटेरियल लगा होता है जिससे उसमें टंकी के, जो हमारा टैंक है, फ्यूल टैंक है, उसमें जंग ना लगे। ठीक है, इट स्टोर फ्यूल, या क्या स्टोर करता है, फ्यूल ईंधन। जो हमारा सेकेंड कंपोनेंट है वो क्या है, फ्यूल फिल्टर। अब फ्यूल फिल्टर इज अ फिल्टर इन अ फ्यूल लाइन। ठीक है, फ्यूल लाइन में फ्यूल सेंटर का यूज होता है, दैट स्क्रीन आउट डर्ट एंड रस्ट पार्टिकल फ्रॉम द फ्यूल। ठीक है, फ्यूल लाइन में फिल्टर का यूज होता है, जो कि डर्ट को और रस्ट को, कहने मतलब कि जो मिट्टी के कण होते हैं या जो जंग टाइप के होते हैं, उन्हें क्या करता है, स्क्रीन करता है, मींस साफ करता है, एंड इज नॉर्मली मेड ऑफ पेपर एलिमेंट, या लगभग किस चीज़ का बना होता है, पेपर का बना होता है या तो कपड़े का। ठीक है, तो फ्यूल फिल्टर क्या हुआ हमारा, फ्यूल फिल्टर फ्यूल लाइन में लगा होता है, जो कि हमारे जो डस्ट होते हैं या रस्ट होते हैं उसे फिल्टर करता है। ठीक है, उसे साफ करता है, उसे रोकता है अपने में। ठीक है, और ये पेपर के बने होते हैं या तो कपड़े के। और थर्ड कंपोनेंट जो हमारा है वो सेडिमेंट बाउल है। ठीक है, इट इज प्रोवाइड टू होल्ड द डस्ट एंड डर्ट ऑफ द फ्यूल। ठीक है, ये किस लिए लगा रहता है, ये जो फ्यूल में एक, जैसे ये हो गया हमारा कटोरे टाइप का। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो हमारे डस्ट या डर्ट रहेंगे वो आके इसमें स्टोर होते हैं। ठीक है, तो ये डस्ट या डर्ट को स्टोर करने के लिए, मतलब इसमें इकट्ठा करने के लिए लगा होता है। और जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो क्या है, फ्यूल लिफ्ट पंप, इट इज ट्रांसफर फ्यूल फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द कार्बोरेटर ऑफ द इंजन। ये क्या करता है, फ्यूल टैंक से फ्यूल को कार्बोरेटर तक पंप करता है। ठीक है, पहुंचाता है। जो हमारा पांचवा कंपोनेंट है वो क्या है, कार्बोरेटर, द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एन एयर फ्यूल मिक्सचर अवे फ्रॉम द सिलेंडर ऑफ एन इंजन इज कॉल्ड कार्बोरेशन। जो इंजन सिलेंडर के बाहर, ठीक है, एयर फ्यूल का मिक्सचर तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कार्बोरेशन। ठीक है, एंड द डिवाइस इन विच दिस प्रोसेस टेक प्लेस इज कॉल्ड कार्बोरेटर। और जो एयर फ्यूल के मिक्सचर को तैयार करता है उसे क्या बोलते हैं, कार्बोरेटर। ठीक है, अब हमारा जो छठवां कंपोनेंट है वो फ्यूल पाइप्स है।
दीज कैन बी मेड ऑफ स्टील और प्लास्टिक एंड सिक्योर बाई क्लिप्स एट सेवरल पॉइंट्स। ठीक है, ये स्टील के या प्लास्टिक के बने होते हैं और इसे जहाँ पे लगाते हैं वहाँ पे एक क्लिप के सहायता से उसे टाइटली फिक्स करते हैं। जो हमारा सातवां और लास्ट कंपोनेंट है वो क्या है, इनलेट मैनिफोल्ड। ठीक है, इट इज कनेक्ट द कार्बोरेटर विद द इंजन सिलेंडर। ठीक है, ये कार्बोरेटर को इंजन सिलेंडर से जोड़ता है, क्या, इनलेट मैनिफोल्ड। ये हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है। ठीक है, उसका डायग्राम है यहाँ पे हमारा, देखिए फ्यूल टैंक लगा हुआ है। ठीक है, फ्यूल टैंक से जो हमारा फ्यूल कहाँ आता है, कार्बोरेटर में। उससे पहले यहाँ पे नीचे देखिए, ये कार्बोरेटर है हमारा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा फिल्टर लगा हुआ है। ये क्या है, फिल्टर है। ये टैंक है, टैंक से आया कहाँ, फिल्टर में तेल। ठीक है, जो हमारा फ्यूल है वो फिल्टर में आया, फिल्टर से होते हुए हमारा यहाँ पे कहाँ आया, कार्बोरेटर में। ठीक है, कार्बोरेटर में से हो के जब फ्यूल कहाँ जाता है, कार्बोरेटर में से फ्यूल होके इनलेट मैनिफोल्ड में यहाँ पे आता है। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ से इनलेट मैनिफोल्ड में से सिलेंडर में, मीन्स कम्बेशन चेम्बर को जाता है फ्यूल। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम है, एग्जाम में आएगा, तो इस डायग्राम को आप लोग अच्छे से बनाइएगा। ठीक है, वर्किंग, अब जो ये हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम इन एसआई इंजन है, वो जो ये सारे कंपोनेंट है ये कैसे काम करते हैं। इन सम स्पार्क इग्निशन इंजन द फ्यूल टैंक इज प्लेस्ड अबव द लेवल ऑफ द कार्बोरेटर। ठीक है, कुछ एसआई इंजन में क्या होता है कि फ्यूल टैंक कार्बोरेटर के ऊपर लगा होता है। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे कार्बोरेटर है तो फ्यूल टैंक यहाँ पे प्लेस्ड होगा। ठीक है, द फ्यूल फ्लो फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द कार्बोरेटर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी के कारण अब जब हमारा यहाँ पे फ्यूल टैंक है, ठीक है, तो क्या होगा, ये ग्रेविटी के कारण हमारा कार्बोरेटर में फ्यूल पहुँचेगा। ठीक है, देयर आर वन आर टू फिल्टर बिटवीन द फ्यूल टैंक्स एंड कार्बोरेटर। कार्बोरेटर ये हमारा, सॉरी, ये फ्यूल टैंक है और कार्बोरेटर ये है, तो इस केस में क्या होता है कि दो, एक या एक से ज़्यादा फिल्टर हम इसमें यूज करते हैं। ठीक है, मान लो एक यहीं पे लगा हुआ है फिल्टर फ्यूल टैंक के पास ही, एक बीच में लगा दिए, तो क्या हुआ कि जब फ्यूल टैंक से फ्यूल बाहर निकलता है और कार्बोरेटर तक पहुँचने में हम दो फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, एक या तो दो। देयर आर वन, सॉरी, अ ट्रांसपेरेंट सेडिमेंट बाउल इज आल्सो प्रोवाइड टू होल्ड द डस्ट एंड डर्ट ऑफ द फ्यूल। ठीक है, जो हमारा जो बाउल है, सेडिमेंट बाउल है, वो बिल्कुल पारदर्शी होगा। ठीक है, जिसमें आर पार दिखाई देगा, उसे भी हम लगाते हैं, किस लिए, जो हमारे डस्ट हैं और डर्ट हैं उसे रोकने के लिए। ठीक है, इफ द टैंक इज बिलो द लेवल ऑफ द कार्बोरेटर। अब देखो, अब यदि जो हमारा फ्यूल टैंक है, मान लो कार्बोरेटर हमारा यहाँ है, ठीक है, और फ्यूल टैंक ऊपर यहाँ पे ना होने के बजाय हम यहाँ पे लगा दिए, उस केस में क्या होगा, अ लिफ्ट पंप इज प्रोवाइड इन बिटवीन द टैंक एंड द कार्बोरेटर फॉर फोर्सिंग फ्यूल फ्रॉम द टैंक टू द कार्बोरेटर ऑफ द इंजन। ठीक है, इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि जो हमारा ये फ्यूल टैंक है, ठीक है, और ये कार्बोरेटर है, तो इस केस में हमें एक लिफ्ट पंप लगाना पड़ेगा, फ्यूल पंप लगाना पड़ेगा, जो कि कार्बोरेटर तक फ्यूल को सप्लाई देगा। ठीक है, पहुंचाएगा। द फ्यूल कम्स फ्रॉम द फ्यूल टैंक टू द सेडिमेंट बाउल एंड देन टू द लिफ्ट द पंप। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, टैंक से फ्यूल निकल के पहले कहाँ आएगा, सेडिमेंट बाउल में। ठीक है, जो हमारा एक पारदर्शी बाउल है, मतलब कटोरे टाइप का है स्ट्रक्चर, वहाँ पे आएगा, उसके बाद कार्बोरेटर में जाएगा। ठीक है, आगे क्या होता है, फ्रॉम देयर द फ्यूल गोज टू द कार्बोरेटर थ्रू द सुटेबल पाइप। ठीक है, अब जब बाउल में फ्यूल आ गया पंप के द्वारा, तो इतना जब हमारा जो फ्यूल पंप है
वो बाउल तक, पहले तो सेडिमेंट बाउल तक फ्यूल को पहुंचाएगा, वहां से होके वो कार्बोरेटर को जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारा फ्यूल टैंक है, ठीक है, फ्यूल टैंक, तो यहाँ पे हम सेडिमेंट बाउल लगा दिए, ठीक है, तब फ्यूल यहाँ पे आया, फिर इससे ऊपर होके तब यहाँ पे कहाँ गया, कार्बोरेटर में। ठीक है, अब आगे क्या है, फ्रॉम द कार्बोरेटर, अब कार्बोरेटर में से द कहाँ जाता है तेल, द फ्यूल गोज टू द इंजन सिलेंडर। ठीक है, अब कार्बोरेटर में से जो हमारा फ्यूल है वो इंजन सिलेंडर में जाएगा थ्रू द इनलेट मैनिफोल्ड ऑफ द इंजन। किसके माध्यम से, इनलेट फोल्ड के माध्यम से कार्बोरेटर से फ्यूल जो है हमारा इंजन सिलेंडर को जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा है फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल इंजन, ठीक है, तो हम लोगों ने जाना कि जो फ्यूल का सप्लाई होता है वो स्पार्क इग्निशन इंजन या तो पेट्रोल इंजन में कैसे होता है। ठीक है, अब हमें क्या जानना है कि जो हमारा फ्यूल का सप्लाई होता है वो कहाँ, डीजल इंजन में कैसे होता है। ठीक है, देयर आर मेन कंपोनेंट ऑफ द फ्यूल सिस्टम इन द डीजल इंजन। ठीक है, अब कहने का मतलब ये है कि एसआई इंजन मीन्स स्पार्क इग्निशन इंजन की तरह भी डीजल इंजन के सप्लाई सिस्टम में भी कुछ कंपोनेंट है, वो कौन कौन से हैं, फ्यूल टैंक, फ्यूल लिफ्ट पंप, या तो उसे क्या बोलते हैं, फीड पंप। ठीक है, थर्ड वन है फ्यूल फिल्टर, फोर्थ वन है फ्यूल इंजेक्शन पंप, एंड पांचवा है हाई प्रेशर पाइप, और अगला है ओवरफ्लो वाल्व, एंड लास्ट वन है जो सातवां है फ्यूल इंजेक्टर या तो इंजेक्शन नोजल। ठीक है, फ्यूल इंजेक्शन को ही क्या बोलते हैं, इंजेक्शन नोजल। ठीक है, तो सबसे पहले फ्यूल टैंक जो हमारा डीजल इंजन में फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें फ्यूल टैंक कैसा होता है, इट इज अ स्टोरेज टैंक ऑफ अ सुटेबल साइज एंड शेप, यूजली मेड ऑफ मिल्ड शीट स्टील। जो हमारे फ्यूल टैंक है किसके बने होते हैं, मिल्ड शीट स्टील का। ठीक है, ये जितना हमें आवश्यकता है सुटेबल साइज एंड शेप, जैसे जिस मशीन में जिस इंजन में जैसा हमें साइज चाहिए जैसा शेप चाहिए उसके अकॉर्डिंग जो है कि हमारा ये फ्यूल टैंक होता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेंटेन्ड इन द टैंक विद द हेल्प ऑफ अ पिन होल ऑन द कैप। ठीक है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कैसे मेंटेन किया जाता है, जो फ्यूल टैंक में जो कैप होता है, ठीक है, उसमें एक छोटा सा होल होता है, देखे होंगे सभी लोग, अगर नहीं देखे हैं तो जान जाइए। ठीक है, ये क्या है कि कैप में ही जो हम जब फ्यूल टैंक को बंद करते हैं तो उस कैप में एक छोटा सा होल होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेंटेन करता है। जो अगला कंपोनेंट है फ्यूल लिफ्ट पंप, या तो इसे फीड पंप भी बोलते हैं। ठीक है, द फ्यूल फीड पंप यूज फॉर द डीजल इंजन इन इज सिमिलर टू डैट ऑफ द फ्यूल लिफ्ट पंप फॉर द पेट्रोल इंजन। ठीक है, जो फ्यूल लिफ्ट पंप है जैसे कि पेट्रोल इंजन में काम करता था वैसे ही डीजल इंजन में भी काम करता है। ठीक है, वैसे ही फ्यूल को लिफ्ट करके क्या करता है, मतलब लिफ्ट करता है। ठीक है, मतलब सेम वही काम करता है जैसा कि पेट्रोल इंजन में करता था वैसा ही हमारा डीजल इंजन में करेगा। ठीक है, इट इज डिलीवर द फ्यूल फ्रॉम द टैंक टू द इंजेक्शन पंप कंटिन्यूसली एंड एट अ रीजनेबल प्रेशर। ठीक है, इसमें ये क्या काम करता है, जो फ्यूल लिफ्ट पंप है ये फ्यूल को इंजेक्शन पंप में डिलीवर करता है। ठीक है, जो कि रीजनेबल प्रेशर मीन्स कि जितना प्रेशर की आवश्यकता होती है एक उचित प्रेशर पे फ्यूल को इंजेक्शन पंप में क्या करता है, सप्लाई देता है। ठीक है, जो हमारा फ्यूल लिफ्ट पंप है वो फ्यूल को एक उचित प्रेशर पे फ्यूल इंजेक्शन पंप को सप्लाई देता है। ठीक है, जो तीसरा कंपोनेंट है वो फ्यूल फिल्टर, वो क्या होता है, इट इज अ डिवाइस टू रिमूव डर्ट एंड डस्ट फ्रॉम द फ्यूल। ये एक प्रकार का डिवाइस है जो डर्ट को और डस्ट को क्या करता है, रिमूव करता है। जो हमारा चौथा कंपोनेंट है वो क्या है, फ्यूल इंजेक्शन पंप। ठीक है,
इट इज अ पंप, ठीक है। फ्यूल इंजेक्शन पंप क्या होता है? एक साधारणतः पंप होता है विच डिलीवर मीटरेड क्वांटिटी ऑफ फ्यूल टू ईच सिलेंडर एट अप्रोप्रिएट टाइम अंडर हाई प्रेशर। ये क्या करता है? ये सभी सिलेंडर को, ठीक है, एक सही अमाउंट में जो है कि फ्यूल को प्रोवाइड कराता है अंडर द प्रेशर, मींस थोड़े से प्रेशर में, ठीक है। हाई प्रेशर पाइप क्या होता है? पांचवा कंपोनेंट है हमारा हाई प्रेशर पाइप। फ्यूल, हाई प्रेशर फ्यूल पाइप कनेक्ट्स द हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है, किसको जोड़ता है? हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप एंड इंजेक्टर नोजल को, ठीक है। जो हमारा हाई प्रेशर पाइप है वो किसको कनेक्ट करता है? प्रेशर फ्यूल इंजेक्शन पंप को और इंजेक्शन नोजल को। जो हमारा छठवां कंपोनेंट है ओवरफ्लो वाल्व, वो एक मेन कंपोनेंट है, ठीक है। वो होता क्या है? फ्यूल वॉल्यूम फ्रॉम द फ्यूल लिफ्ट पंप विल ऑलवेज प्रोवाइड मोर फ्यूल देन द फ्यूल इंजेक्शन पंप रिक्वायर्ड, ठीक है। जो फ्यूल टैंक से जो फ्यूल पंप होता है, फ्यूल फीड पंप के माध्यम से, वो क्या होता है? वो हमेशा ज़्यादा होता है। कितना ज़्यादा होता है? जितना कि फ्यूल इंजेक्शन पंप को ज़रूरत होती है, हमेशा उससे ज़्यादा पंप किया जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमारा ओवरफ्लो वाल्व क्या काम करता है? द ओवरफ्लो वाल्व, या तो इसे और क्या बोलते हैं, चेक वाल्व, ठीक है, इज यूज टू राउट एक्सेस फ्यूल थ्रू द फ्यूल रिटर्न लाइन एंड बैक टू द फ्यूल टैंक, ठीक है। तो हमारा ओवरफ्लो वाल्व क्या काम करता है? ये जो हमारा फ्यूल पंप था, वो फ्यूल इंजेक्शन पंप में बहुत ज़्यादा फ्यूल भेज रहा है, जितना उसे ज़रूरत है उससे ज़्यादा। तो हमारा ओवरफ्लो वाल्व क्या कर रहा है कि ये रिटर्न, ठीक है, जो ज़्यादा फ्यूल आ रहा है इंजेक्शन पंप में, ये इसे वापस टैंक में भेजने का काम करता है, ठीक है। अप्रोमैक्सली 70%, ठीक है, लगभग कहने का मतलब है कि 70% ऑफ सप्लाइड फ्यूल इज रिटर्न टू द फ्यूल टैंक, ठीक है। जितना हमारा फ्यूल पंप फ्यूल इंजेक्शन पंप को फ्यूल सप्लाई देता है, उसका 70% लगभग 70% फ्यूल रिटर्न, मतलब वापस भेज दिया जाता है फ्यूल टैंक में, ठीक है। जो हमारा सातवां और लास्ट कंपोनेंट है वो क्या है? फ्यूल इंजेक्टर या तो इंजेक्शन नोजल्स, ठीक है। ये होता क्या है? इट इज अ इंजेक्ट द फ्यूल इनटू द कंबशन चेंबर ऑफ द इंजन, ठीक है। फ्यूल इंजेक्टर क्या करता है? ये फ्यूल को कंबशन चेंबर में इंजेक्ट करता है, मतलब कि ये फ्यूल को कंबशन चेंबर में पहुंचाता है, ठीक है। और जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल इंजन का है वो कैसे कार्य करता है, ठीक है। तो सबसे पहले फ्यूल इज ड्रॉन फ्रॉम द फ्यूल टैंक बाय द फीड पंप, या तो फीड पंप को क्या बोलते हैं, फ्यूल लिफ्ट पंप, एंड फोर्स टू द इंजेक्शन पंप थ्रू फ्यूल फिल्टर। सबसे पहले फ्यूल टैंक से, ठीक है, फ्यूल टैंक से क्या होता है, जो हमारा फ्यूल पंप है उसके माध्यम से फ्यूल को फ्यूल टैंक से कहाँ भेजा जाता है? इंजेक्शन पंप में, ठीक है, थ्रू द फ्यूल फिल्टर, मतलब कि जब फ्यूल टैंक से, ठीक है, कहने का मतलब कि ये हमारा फ्यूल टैंक हो गया, ठीक है, और ये हमारा इंजेक्शन पंप हो गया। जब यहाँ से फ्यूल पंप से फ्यूल टैंक से जब फ्यूल आ रहा है तो बीच में हमारे यहाँ पे एक या एक दो फिल्टर लगे रहते हैं, फ्यूल फिल्टर, जो फ्यूल को क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, ठीक है, जो उसमें डर्ट या डस्ट रहते हैं उसे क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, ठीक है। आगे क्या है, ये देखिए, ये फ्यूल डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम का डायग्राम है। तो सबसे पहले ये हमारा हो गया फ्यूल टैंक, ठीक है, फ्यूल टैंक क्या है ये, ठीक है। अब फ्यूल टैंक से फ्यूल कहाँ आ रहा है, सेडिमेंट बाउल में, ठीक है, ये जो हमारा सेडिमेंट बाउल है ये दिख रहा है ना, ये सेडिमेंट बाउल है। अब सेडिमेंट बाउल से फ्यूल हमारा कहाँ जा रहा है, लिफ्ट पंप में, ठीक है, लिफ्ट पंप में, लिफ्ट पंप क्या है ये, ठीक है। अब लिफ्ट पंप से फ्यूल डायरेक्ट जो है इंजेक्शन पंप में नहीं जा रहा है, यहाँ पे देखिए फिल्टर प्रोवाइड है, ठीक है,
तो क्या है, लिफ्ट पंप से फिल्टर में फ्यूल जा रहा है, उसके बाद जा रहा है इंजेक्शन पंप में, ठीक है। इंजेक्शन पंप के बाद कहाँ जा रहा है, इंजेक्टर में, ठीक है। इंजेक्टर से ही देखिए ये हमारा ओवर फ्लो वाल्व जो है कनेक्ट है फ्यूल टैंक में, ठीक है। तो इंजेक्टर जो है फ्यूल इंजेक्टर के माध्यम से कंबसन चेंबर में फ्यूल पहुंच रहा है, ठीक है। तो ये हमारा फ्लो डायग्राम है, ठीक है, किसका, फ्यूल सप्लाई सिस्टम ऑफ डीजल इंजन का, ठीक है। तो इसके माध्यम से सारी चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले फ्यूल टैंक में स्टोरेज है, तो फ्यूल कहाँ आया, सेडिमेंट बाउल में, सेडिमेंट बाउल के बाद कहाँ गया, लिफ्ट पंप में, लिफ्ट पंप के बाद फिल्टर हो के, फिल्टर के माध्यम से इंजेक्शन पंप में गया, इंजेक्शन पंप से हो के फ्यूल फ्यूल इंजेक्टर में गया, इंजेक्टर में जितना फ्यूल, ठीक है, ज़्यादा है वो पहुंचा है, और जितना रिक्वायर्ड है मतलब जितना ज़रूरत है वो भी पहुंचा है। तो जितना ज़रूरत है इंजेक्टर नोजल जो है कि कंबसन चेंजर में उतना, कंबसन चैम्बर में उतना फ्यूल पहुँचाती है, और जो ज़्यादा उसे क्या करती है, फ्यूल को रिटर्न फ्यूल टैंक में भेज देती है, ठीक है। तो इस डायग्राम के माध्यम से पूरा जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम आप डीजल इंजन का है वो बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है वो, सॉरी, जो हम लोग यहाँ पे थे कि फ्यूल जो है फ्यूल पंप के माध्यम से फ्यूल फिल्टर के रास्ते होते हुए इंजेक्शन पंप तक पहुंचा, उसके बाद क्या होता है, द इंजेक्शन पंप सप्लाई हाई प्रेशर फ्यूल टू इंजेक्शन नोजल्स, ठीक है, थ्रो डिलीवरी वाल्व एंड हाई प्रेशर पाइप, ठीक है ना। तो इंजेक्शन पंप क्या करता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर के साथ फ्यूल को क्या करता है, इंजेक्शन नोजल में भेजता है, किसके माध्यम से, डिलीवरी वाल्व एंड हाई प्रेशर पाइप के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, फ्यूल इज इंजेक्टेड इनटू द कंबसन चेंबर थ्रू इंजेक्शन नोजल, ठीक है। जब हमारा इंजेक्शन नोजल में फ्यूल आ गया तो इंजेक्शन नोजल से कंबसन चेंबर में जो है कि फ्यूल भेजा गया, ठीक है। द फ्यूल दैट लीक्स आउट फ्रॉम द इंजेक्शन नोजल पासेस आउट थ्रू लीकेज पाइप एंड रिटर्न टू द फ्यूल टैंक थ्रू द ओवरफ्लो पाइप्स। कहने का मतलब है कि जब हमारा इंजेक्शन नोजल में फ्यूल बहुत ज़्यादा है तो कंबसन चेंबर में जितने फ्यूल की ज़रूरत है उतना फ्यूल तो कंबसन चेंबर में हमारा इंजेक्शन नोजल पहुंचा दिया, ठीक है। और जो ज़्यादा हो रही है वो यहाँ देखिए वो क्या है, ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से वापिस, ये ओवरफ्लो पाइप के माध्यम से वापिस कहाँ जा रही है, फ्यूल टैंक में, ठीक है। अब क्या है, प्रिकॉशन इन हैंडलिंग फ्यूल सिस्टम, ठीक है। जब फ्यूल सिस्टम है तो उसमें कुछ सावधानियां भी होनी चाहिए। जब फ्यूल सिस्टम हम पूरा जान गए तो उसमें क्या क्या सावधानियां हमें करनी चाहिए, वो क्या है, हाई क्वालिटी फ्यूल इज नेसेसरी टू द फ्यूल इंजेक्शन पंप, ठीक है। जो हमारा फ्यूल की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओनली फिल्टरेड फ्यूल शुड बी सप्लाइड टू द फ्यूल टैंक, केवल जो है कि जो फ्यूल फिल्टर होके आ रहा है वही फ्यूल टैंक में यूज करना चाहिए। ये नहीं कि उसमें डस्ट पार्टिकल्स या मतलब कुछ अनवांटेज मटेरियल है फ्यूल के अलावा, वो वाला फ्यूल जो है कि हम टैंक में डाल दिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। जो हमारा नेक्स्ट है, वाटर एंड डिपोजिट शुड बी ड्रेन फ्रॉम द फ्यूल टैंक एट लीस्ट एवरी 6 मंथ, ठीक है। जो हमारा फ्यूल टैंक में पानी या तो और सारी चीज़ें डस्ट या मतलब कुछ भी चीज़ें उसमें जमा हो जाती है फ्यूल टैंक में, तो उसे हर 6 महीने में क्या करना चाहिए, टैंक को खोल के साफ कर देना चाहिए, ठीक है। डिलीवरी वाल्व होल्डर शुड बी टाइट, जो डिलीवरी वाल्व हम यूज करते हैं वो टाइट होना चाहिए। नोजल होल्डर शुड बी टाइट, नोजल होल्डर भी टाइट होना चाहिए, ठीक है। एक इसमें और था, एक वर्ड इसमें और आता है जो एग्जाम में कई बार आया है, वो क्या है, प्राइमिंग, ठीक है, एग्जाम में आया है प्राइमिंग। तो प्राइमिंग होता क्या है, ठीक है, प्राइमिंग क्या होता है कि
जो हमारा फ्यूल सप्लाई सिस्टम है उसमें कहीं एयर चला गया तो क्या है, वो फ्यूल सप्लाई सिस्टम ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन में कंबशन चेंबर तक फ्यूल नहीं पहुंच पाता या कहीं एयर सप्लाई लाइन में ही फ्यूल रुक जाता है, तो क्या करते हैं, पंपिंग करते हैं, ठीक है। कहाँ पे, इंजेक्शन पंप में हम पंपिंग करके जब उस हवा को निकालते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, प्राइमिंग। तो अब प्राइमिंग समझ में आ गया ना, जो फ्यूल लाइन में हवा चला जाता है जिसके कारण से फ्यूल जो है कि सप्लाई, फ्यूल का सप्लाई रुक जाता है, तो हम क्या करते हैं, इंजेक्शन पंप में पंपिंग करके उस हवा को बाहर निकालते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे क्रिया को क्या कहा जाता है, प्राइमिंग, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 5। थैंक यू एवरीवन।